Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और हम सब नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जप कर रहे हैं, उनकी स्तुतियों का पाठ कर रहे हैं। भगवान शिव की तमाम स्तुतियों में एक बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है, शिव तांडव स्तोत्र। आज बात करेंगे शिव तांडव स्तोत्र की महिमा के बारे में, इसको प्रयोग करने के विधान के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 7:52 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 5:44 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय 2:03 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कर्क राशि में, चंद्रमा शुक्र और बुध विद्यमान है सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान शिव की ये जो अनूठी स्तुति है, शिव तांडव स्तोत्र, ये है क्या। देखिए, शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण के द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। इस स्तुति को आप छंदात्मक कहेंगे। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं, इसको गा गा के नाच नाच के पढ़ा जाता है। माना जाता है कि रावण ने एक बार अहंकार में भगवान शिव को कैलाश पर्वत के साथ उठाने का प्रयास किया और ये कहा जाता है कि रावण जब कैलाश लेकर चलने लगा तो शिव जी ने अंगूठे से, अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। फलस्वरूप कैलाश वहीं रह गया और रावण उस कैलाश के नीचे दब गया। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो स्तुति की, जो प्रार्थना की, उस स्तुति का नाम है शिव तांडव स्तोत्र।
और कैलाश पर्वत पर जहाँ रावण दबा था वो स्थान राक्षस ताल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कष्ट के समय में रावण ने अपने इष्ट देव भगवान शिव को हृदय से पुकारा और शिव तांडव स्तोत्र कहा। ये इतना प्रभावशाली है कि इसका पाठ करने वाले पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। शिव तांडव स्तोत्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, काम टालने से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। भगवान शिव को अगर बेल पत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव तांडव नृत्य के आविष्कर्ता हैं। उन्होंने तांडव नृत्य का आविष्कार किया और तांडव नृत्य करते भी हैं, आनंद तांडव भी और उग्र तांडव भी। क्या है तांडव? तांडव शब्द तंदुल से बना हुआ है। तंदुल का अर्थ होता है उछलना। तंदुल का एक अर्थ चावल भी होता है। तो तांडव तंदुल से बना है जिसका अर्थ है उछलना। और तांडव नृत्य में ऊर्जा से और शक्ति से उछलना होता है ताकि दिमाग और मन शक्तिशाली हो जाए। पूरे शरीर का व्यायाम आप जानते होंगे, लेकिन दिमाग का कोई व्यायाम नहीं है। तांडव नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो दिमाग का व्यायाम है। तांडव नृत्य से पौरुष भाव जागृत होता है, मेल हार्मोन्स डेवलप होते हैं, इसीलिए तांडव नृत्य केवल पुरुषों को ही करने की अनुमति होती है। महिलाओं को तांडव करना मना है। महिलाओं के लिए बाद में माता पार्वती ने एक नृत्य का आविष्कार किया था जिसका नाम है कौशिकी। और कौशिकी नृत्य अगर कोई महिला नियमित रूप से करे किसी भी तरह की रोग और व्याधि से बची रहेगी। तो तांडव नृत्य
पुरुष हार्मोन्स को तीव्र कर देता है, इसीलिए महिलाओं को तांडव नहीं करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि जीवन की ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से बहुत फायदा होता है। अगर आपको स्वास्थ्य में लगातार दिक्कत चल रही हो और स्वास्थ्य की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा हो, तो आप नियमित रूप से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए, और अगर पाठ नहीं कर पाते तो सुनिए। जब आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव हो या आपको शत्रु बाधा परेशान करे, तो ऐसी स्थिति में भी सुबह शाम दोनों समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जब आर्थिक समस्या हो या रोजगार की समस्याएं हो, पैसे रुपए की मुश्किल बहुत हो, तब रोज संध्या काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपको जीवन में कोई बड़ा पद प्राप्त करना है, कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो ऐसी स्थिति में भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपके जीवन में किसी ग्रह की बुरी दशा चल रही हो, खास तौर से राहु, केतु, शनि, इनकी कोई बुरी दशा चल रही हो, तो शिव तांडव स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करने से इसके जो दुष्प्रभाव हैं, इसका जो नकारात्मक प्रभाव है, वो नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कैसे करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, परिवार में आपके शुभ कार्य होगा, विवाह आपका तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम का बोझ आपका बढ़ेगा, धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके परिवर्तन होगा, स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ेंगे कैसे, इसका पाठ कैसे करेंगे। प्रातः काल या प्रदोष काल, सुबह के समय या जब सूर्य अस्त हो रहा हो,
उस समय के आसपास इसका पाठ करना सर्वोत्तम होगा। पहले शिव जी को प्रणाम करके उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें या केवल दीपक जलाएं और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद गा गा कर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम। तो गा गा कर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप नृत्य के साथ गाएं, नृत्य के साथ इसका पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। और जब पाठ कर लें तो भगवान शिव को प्रणाम करें और अपनी प्रार्थना करिएगा। महिलाएं तांडव नहीं कर सकती लेकिन शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकती हैं। पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति इसे नहीं पढ़ पाता है, उसे इसकी मात्राएं और उच्चारण कठिन लगते हैं, तो वो इसको सुन भी सकता है ऑडियो की सहायता से, और सुनने के बाद भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में आपके व्यस्तता बढ़ेगी, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। हमेशा अपने बैठने के लिए 4 पैरों वाली कुर्सी का प्रयोग करिए। 3 पैरों वाली कुर्सी या पहिए वाली कुर्सी बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप 4 पैरों वाली कुर्सी पर बैठेंगे तो इससे आपके करियर और आपके जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 6 अगस्त मंगलवार को प्रातः काल भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करिएगा।
घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप प्रातःकाल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवान शिव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।